केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था पर जोर देने में रहा। वहीं किसानों के लिए इस बार 15 की जगह 16.5 लाख करोड़ रुपए लोन की राशि तय की गई, लेकिन किसानों में केंद्रीय बजट के खिलाफ बेहद ही रोष देखने को मिला। पानीपत टोल प्लाजा धरने पर मौजूद किसानों से जो वित्तीय बजट में उनके लिए दी गई 16.5 लाख करोड़ रुपए की राशि पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इससे किसानों का भला नहीं हो सकता, क्योंकि किसान पहले ही कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर है। यह कृषि बजट नहीं है, बल्कि बैंकों को मिलने वाला प्रॉफिट है। इससे किसान का भला हो सकता है क्या? लोन से तो पहले किसान कर्जवान है, कर्जवान होकर ये आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये कृषि बजट नहीं है, ये तो बैंक का प्रॉफिट है, ब्याज पे दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं नो ये बताओ, अगर रिलीफ दिया है कुछ आपने, नहरी विभाग में कुछ दिया हो, जो 20 लाख करोड़ का पहले भी उन्होंने पैकेज दिया, कहाँ तक धरातल तक कहाँ पहुँचा है? कहीं भी नहीं पहुँचा। किसान पहले कर्जे से परेशान है, जो बचा उनको और कर्जवान करने की तैयारी है। किसान पहले से कर्जे के कारण आत्महत्या करने लग रहे हैं। मोदी जी ने जो बजट दिया बिल्कुल किसान हक में नहीं दिया, कोई और फैसिलिटी देता तेल बढ़ा के, और ये झूठे ड्रामे करके मोदी जी झूठ बोलने के अलावा कोई विशेष वो नहीं है। किसान वर्ग में आज पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के विचारों से सहमत नहीं है, और ये देश को ये बोलते थे कांग्रेस चोर है, लेकिन ये तो माचोर हैं। कांग्रेस ने तो कोई BSNL बेचैनी, LIC बेचैनी, रेलवे बेचैनी, जहाज बेचैनी, लास्ट में मोदी ने किसान भी बेच दिए, ये लाल किला भी बेच दिया। ये किसान हक में बजट नहीं है, किसान पहले से आत्महत्या करता रहा है, इतनी आत्महत्या कर दो कर्जे की वजह से तो आत्महत्या कर रहा है। किसान को और फैसिलिटी देता, डीजल कम रेट पर देते। आज करूड़ क्या भाव है? आज करूड़ कांग्रेस के टाइम में 135 होते भी 40 रुपये 50 रुपये डीजल था, आज 70 रुपये करूड़ होते, आज 80 रुपये 85 रुपये डीजल है। आज किसान के ट्रैक्टर पर कितना GST है? ये खाद का कट्टा बोलते हमें सस्ता कर दिया, 50 किलो का कट्टा 45 किलो करके 5 किलो कहाँ गया, कौन से कोटे में गया? ये सारा किसान जो है पूरा खपा है। तीनों कानून इन्हें वापिस लेने चाहिए। और ऐसी क्या खासियत है, अभी कानून आया नहीं, 3 साल पहले गोदाम बन गए रिलायंस के अडवाणी के, ये ऐसी क्या खासियत थी? ये अडानी, ये मोदी जी ने उनसे बड़ा पैकेज दे रखा है, इस वजह से आज किसान की बात मानने के लिए तैयार नहीं। भाई साहब, कृषि व्यापार में क्या फ़ायदा होना है? किसान और मजदूर की तो ये पार्टी है ही नहीं। पहले जो है इन्होंने इतने वादे किए थे, इतने बोलते हैं मोदी जी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट किसान के लिए कुछ नहीं है। 2 महीने तक एक शब्द भी नहीं बोले इन्होंने। इतने किसान जो है शहीद हो गए, हम शहीद ही बोलेंगे उनको, इस आंदोलन के अंदर कोई वर्ड नहीं बोलिया, और 26 जनवरी तक भी जो है कुछ नहीं बोले। किस वजह से नहीं बोले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि इनको पता था कि 26 जनवरी आने वाली, और 26 जनवरी को जो तीर इन्होंने चलाया था वहाँ, झंडा वंडा जो भी लहरवाया गया, जिसने भी लहराया वो, तो वो तीर जब उल्टा पड़ गया तो तब मोदी जी जो है थोड़े से बड़े बोले कि हमारी जो है हम कोल की वेट कर रहे हैं। तो कोल की वेट तो अब तक किसान ने की थी, अब वो कर रहे हैं, तो कोल भी हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। तो किसान और मजदूर की भलाई के लिए हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ काम करें। तो हमें पता है, सबको पता है कि भाई ये जो है ज़मीन से जुड़े नेता हैं, बट ज़मीन से जुड़े नेता क्या ये किसान ज़मीन से जुड़े नहीं हैं? ये अनदाता हैं, अनदाता के बारे में जो है कुछ भी नहीं कह रहे। तो जैसे लोग वोट देके बना सकते हैं, ऐसे ही लोग हरा भी सकते हैं। और भारत सरकार ने बजट पेश किया है, उसमें पहले से ज़्यादा लोन देने का किसानों के लिए वादा किया है। देखते हैं कैसे वादा प्रैक्टिकल में आएगा, प्रैक्टिकल होने के बाद ही पता चलेगा कि किसानों को कितना लोन दिया जा रहा है। इससे पहले भी सरकार ने लोन देने का वादा किया था, लेकिन उन फाइलों को ऑनलाइन कर दिया, उन फाइलों का दोबारा पता नहीं चलता, लोन नहीं देता। सिर्फ जो सरकार के आदमी होते हैं, जिनकी अप्रोच होती है, उनको ही लोन दिया जाता है, लेकिन एक गरीब किसान को कोई लोन नहीं दिया जाता। ये देखो जी, फ़ायदा तो कोई नहीं होगा इसका, इसका तो सारा नुकसान है जी। मतलब फ़ायदा तो तब होना कि लोन कम हो, क्योंकि जो किसान का काम बढ़े। मतलब हम लोन क्यों ले रहे हैं? दब रहे हैं ना हम, वही तो दबार जा रही है, हमें वो दबाना चाहती है जी। किसान पहले ही कर्जवान है, उन्हें और भी कर्जवान बनाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।